घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि वह कभी भी लात मार देते हैं। जो नहीं मिला वो बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वो बेहतरीन होगा। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नज़रों में शर्मिंदा ना होना पड़े। हम ऐसे समाज का हिस्सा है दोस्तों, जहां बाप की इज्जत बेटी के हाथ में होती है, लेकिन जायदाद के कागजात बेटे के हाथ में। खुदा, तूने तो लाखों की तकदीर सवारी है, मुझे दिलासा तो दे कि अब तेरी बारी है। नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। समझने वाला मुस्कुराहट के पीछे का दर्द भी समझ जाएगा, ना समझने वाला चाहे तुम उसके सामने रो दो नहीं समझेगा। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। बुद्धिमान वही होता है जो ये जानता है कि उसे बेवकूफ़ कब दिखना है। इतने कामयाब तो जरूर बनो कि जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वो कल शर्मिंदा हो जाए। रिश्तों में समझदार बनो, वफादार बनो, असरदार बनो, मगर दुकानदार मत बनो। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो जगह है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा, और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँगा। अगर आप वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो जल्द ही आप वो चीज़ें बेचेंगे जिनकी आपको ज़रूरत है। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, पर जो है वह लाजवाब है। नायाब होते हैं वो लोग जो गुस्से में भी किसी से बात करने की तमीज़ नहीं भूलते। बिछड़ने का तो वो पहले ही इरादा कर चुके थे, उन्हें तो बस मेरी तरफ से कोई बहाना चाहिए था। जितना ज़्यादा हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। ज़रूरी नहीं सबकी नज़रों में अच्छे ही बनो, कुछ लोगों की नज़रों में खटकने का मज़ा ही कुछ और है। आप कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा हमेशा बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ़ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। बहुत शौक था मुझे सबको जोड़ के रखने का, होश तो तब आया जब मैंने अपने वजूद के टुकड़े देखे। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खुशियाँ कम पड़ जाती है, और खोने के लिए एक गलत फहमी ही काफ़ी है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशी की कीमत ही न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही न होती। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। शब्दों के भी कुछ तापमान होते हैं, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। ज़्यादा खुश रहना भी अच्छा नहीं होता है दोस्तों, लोग अक्सर खिले हुए फूल को तोड़ देते हैं। ईश्वर तो सिर्फ मिलाने का काम करते हैं, रिश्तों में दूरियां बढ़ाने का काम तो व्यक्ति स्वयं करता है। सबसे कठिन काम है सबको खुश रखना, और सबसे आसान काम है सबसे खुश रहना। मिलता रहे कितना भी, कुछ लोगों का गुजारा नहीं होता। लालच के समुद्र में तैरने वालों को कभी किनारा नहीं मिलता। आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं
जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं, जो अंधेरे से गुजर चुके हैं, बस वो ही जानते हैं कि जब कुछ नजर न आए तब क्या क्या दिखाई देता है। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होना चाहिए कि जहाँ पांव रखे वो रास्ता अच्छा हो जाए।